नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सम्मान की जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रही हो, मातृशक्ति आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम, नमस्कार, राम राम। भाई हवा तो हवा ही है। मेरे मेहरबानों, कई रोज से आपके बीच गौ माताओं के निमित्त इस गौशाला में ये गौ माताओं के नाम से चंदे के लिए प्रोग्राम, और आज के युग में, इस समय में, एक समय था जब हम उनके आश्रित थे, गौ माता के ही आश्रित थे हम सब, और आज एक समय है जी गौ माता हमारे आश्रित है जी। किसी गौशाला में दान तो आप देते ही हैं, दानी तो आप हैं ही, लेकिन कृपया करके कभी कभी गौ माताओं के दर्शन करने के लिए उनके गौशाला में चले जाया करो, बाड़े में। आप स्वयं ये बात देखेंगे, जब कोई आदमी उस गौशाला में जाता है गौ माता के दर्शन करने के लिए, वो गौ माता कितनी करुणा भरी आंखों से, अपनी नजरों से आपकी तरफ देखती है। उसका संदेश है कि मेरा कोई भी नहीं है जी। मेरे मेहरबानों, धन्यवाद है इस गांव के दानदाताओं को, गोहण के लोगों को, दानदाताओं को, जो कुछ दिनों में ही, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसी गौशाला, ऐसी भव्य गौशाला, ऐसी सुंदर गौशाला पूरी हरियाणा में नहीं नहीं है गुरुजी, सत्य बात है। और मैं तो यही अपेक्षा करूंगा आपसे, हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि भाई जैसी शुरुआत हुई है, जैसा आपने मन बनाकर कि इस जगह को बनाया है, इसी श्रद्धा के साथ लगे रहिए। ये गौ माता हमारा और आपका सबका बेड़ा पार करने वाली है जी, तरण तारणी है। मेरे मेहरबानों, लीजिए, आज पहला दिन था, हम कुछ लेट हो गए, हम तो शुरू में आ गए थे लेकिन हमारे कुछ बंदे लेट हो गए, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं। लीजिए एक बात, मेरे मेहरबानों, इंसान को सब कुछ करना पड़ता है और करना पड़ेगा, जीने के जिएगा तो तुझे सब कुछ करना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, हंसना भी पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा, नाचना भी पड़ेगा। लाल जी की एक रागनी से शुरुआत कर रहा हूं, नाम रागनी है लेकिन भजनों से कम भी नहीं जी। दादा कान का तो फोन हटा ले, मेरी बात सुन ले, फिर बाद में कोई नहीं मिले, पहली बार सुना रहा हूं, सुनी ही कौन नहीं होगी। कुछों को पता था मेरे बारे में, कुछ एक लोगों को नहीं पता था। धन्यवाद है मेरे मेहरबानों, यही तो काम आता है ये चीज। अपने कौन होते हैं, दनोदा गांव, यहां तो मेरी रिश्तेदारियां हैं हर गांव में, लेकिन उन लोगों से तो मेरी जान पहचान भी नहीं थी, अब 2 साल से तो ही है। वहां मेरे 2 तारीख से प्रोग्राम चालू होने थे, गए और इनने बताया कि हम नहीं पहुंच सकते, गुरुजी के साथ यह हादसा हो गया। फिर भी उन लोगों ने क्या कहा,
पार्टी आनी चाहिए मास्टर जी, आप आए ना आए, आपके बच्चों का वही सम्मान होगा जाओ, जाओ। जो हम पहले करते थे, बहुत आदर सत्कार, और उन लोगों ने वो सम्मान किया, वो आदर किया, और इन बच्चों का वो रेस्पेक्ट किया, और जितने सांग हुए थे उनमें सारे ने मिलाकर वो करोड़ को नहीं छू सके, और इनने तीन सांगी पहले हुए आए, एक करोड़ को चंदा ना छुआ गया, और इनने मेरे बगैर सांग किया और उसमें 1.5 करोड़ अकेले ये करके आए, उन लोगों के लिए एक बार मेरे पीछे से उन लोगों ने मेरा वो सम्मान किया। जाओ, जाओ। तो आज जिनको नहीं पता था उन्होंने, मैंने उनको बताया भी नहीं, लेकिन वो कह रहे थे मास्टर जी आज तो हंस के बात नहीं कर रहा लोगो, ये गाना हंसी का हुआ कर रहा ठीक, लेकिन इंसान इंसान को सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ। क्या कहा गुरु जी ने, वक्त के बोल कह दिए, क्यों ना हंस रहा, रखे से रंग लगी चोट मरम की चलाई।
टुलू हरि से, आदरणीय मेरे गुरु जी सुरेश पाल सिंह जी तमर साहब, 500 रुपये से अपने बच्चों का आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये मेरे बड़े भाई विनोद से, चौधरी साहब सतवीर जी वो भी 100 रुपये से मेरा सम्मान करते हैं, धन्यवाद। एनके स्टूडियो हमारे दादाजी, बड़ा आशीर्वाद दिया है इनने, ये भी 200 रुपये से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 3 में क्या बता दिया, माता के नाम से, और 200 रुपए अपनी पार्टी के नाम से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामफल जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 4 में क्या कह दिया गुरु जी ने, 500 दो। लोगों 3 बात सुनी ना सुनी, लेकिन चौथी बात थोड़ा गौर से सुनना, क्या बताया जी? मंगल चंद या धर्म की खेती रे लोगों कदे सूखती कौन हो सिंह जी, पहलवान साहब वो भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बापोड़ा से हमारे मेरे भाई ओम प्रकाश जी चौहान साहब वो भी 100 रुपये प्रदान करते हैं, हमारे दादाजी बजीना से मदनलाल शर्मा जी 100 रुपये से अपने बच्चों का आशीर्वाद देते हैं, बहुत धन्यवाद। हमारे मामराज साहब वो भी 100 रुपये से हमारा सम्मान करते हैं बापोड़ा से, बहुत धन्यवाद। डीजी मेहरबान हो, आपका समय ना खराब करते हुए सांग शुरू, नरसिंह साहब वो भी 100 रुपये से हमारा सम्मान करते हैं, बहुत 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 धन्यवाद। हेलो, ग्यारह सौ रुपये हमारे संघ, अपने संघ की शुरुआत करते हुए
राजा इंद्र के दो पुत्र, बड़े बेटे का नाम जयंत, छोटे बेटे का नाम गंधर्वसेन। मेरे मेहरबानों, एक समय की बात है कि गंधर्व बजा रहे थे, परियां नाच रही थी राजा के दरबार में। उसी समय परी रंभा जाकर के उस कोने पर नाचती है जहां पर इंद्र महाराज का छोटा बेटा गंधर्वसेन बैठा था। राजा इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है, रंभा से पूछता है, रंभा आज जाकर के उस कोने पर क्यों नाचती हो, क्या है वहां पर हमारे सामने ना नाचकर उस कोने पर नाचती हो? कि महाराज आज आपका बड़ा छोटा राजकुमार गंधर्वसेन सभा में बैठकर के हमारा नाच गान देख रहा है। राजा इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है, अपने पुत्र गंधर्वसेन को उठा करके भुजा पकड़ के उठाता है, सभा के बीच में लात मारता है और एक श्राप देता है कि जा बदतमीज, मृतलोक में जा, जन्म ले और मर और मर। मेरे मेहरबान, वही गंधर्वसेन अपने पिता राजा इंद्र का श्राप पूरा करने के लिए उज्जैन शहर में गंधर्वसेन नाम से परमार वंश में पैदा होते हैं। मेरे मेहरबानों, गुरु गोरख की कृपा से राजा गंधर्वसेन को 3 औलाद मिलती हैं। बड़ा बेटा भर्तृहरि नहीं था, क्योंकि भर्तृहरि की उम्र का तो गोपीचंद था। मैं भी भर्तृहरि को ही बताया करता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा अच्छी तरह से मुझे पता चला कि बड़ी बेटी थी। बड़ी बेटी मैनावंती, उनसे छोटा राजा भर्तृहरि, सबसे छोटा बेटा विक्रम। मेरे मेहरबानों, दो बात आपको 30-30 सेकंड की आज इस सांग में, इस सांग से जुड़ी हुई बता के जा रहा हूं। लोगों, आज जहां कुछ दिन पहले अबू धाबी में जहां श्री राम का मंदिर बना है, उसी से कुछ दूर पहले, कुछ दूर दूरी पर एक शहर है जिसमें एक अरबी ग्रंथ रखा हुआ है, एक अरबी शास्त्री का बनाया हुआ ग्रंथ जिसमें राजा विक्रम का प्रमाण मिलता है। उन्होंने लिखा है कि राजा विक्रम ऐसे दुनिया के सबसे पहले राजा थे जिन्होंने 17,000 किलोमीटर का, 17,000 मील का एक हाईवे रोड बनाया था उस जमाने में। मेरे मेहमानों, हमारे देश का दुर्भाग्य है जिन लोगों ने इस देश के लिए, आपने देखा होगा कई गांव में, हमारे हर गांव में छोरा पे कुतिया बैठी रहे, 5-4 गिंडका में जो कुतिया हाय हाय करके ने गिंडका ना मरवा के अपने घर ने चली जाओ, उसका बाल भी बांका ना और गिंडक मर के टूट के मर जाए। इसी तरह इस देश में बार बार ऐसे गद्दार पैदा हुए हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, अपना गाठा छोड़ करके ने और देश ने मरवा के चले गए, और उनका इतिहास में बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है। और जो तो इब आ करके अभिव्यक्ति दे दी कि बोलने की आजादी दे दी गई, वरना जो शब्द मैं कह रहा हूं अगर वो पहले कोई कह दे तो उसकी सजा भी हो जाए जेल। मेरे मेहरबान, अशोक महान जिसका अशोक स्तंभ लगाया गया है, इसी अशोक महान ने इस हिंदुस्तान को 83% बौद्ध भिक्षुक बना दिए थे, बौद्ध धर्म सनातन को सर्वनाश करने के लिए। जाओ जाओ। और उसके बाद में राजा विक्रम पैदा हुए। कवि कालिदास अपने ग्रंथ में लिखते हैं अभियान शकुंतलम में, उनके दरबार में रचा गया था, राजा विक्रम के दरबार में रचा गया था कि राम के बाद अगर हिंदुस्तान में राम राज आया तो केवल विक्रम के जमाने में आया, वरना कहीं भी राम राज था ही नहीं। जाओ जाओ। ऐसे थे जो सांग आपके बीच में चालू कर रहा हूं मैं। मेरे मेहरबानों, शाबाश। गंधर्वसेन महाराज के 3 औलाद, बड़ा बेटा भर्तृहरि, मैनावंती, सबसे छोटा बेटा विक्रम। राजा भर्तृहरि की शादी पिंगल देश की राजकुमारी पिंगला के साथ हो जाती है। इधर बाबा गोरखनाथ सोचते हैं मेरा बेटा भर्तृहरि जोग लेने के लिए पैदा हुआ है, अमर करने के लिए पैदा किया है मैंने इसे। मेरे मेहरबान, और राजा भर्तृहरि रानी पिंगला के मोह में इतने फंस जाते हैं कि राजकाज सब कुछ छोड़ देते हैं। आखिर राजा भर्तृहरि को राज से वियोग दिवाने के लिए, पिंगला का मोह तोड़ने के लिए गोरखनाथ एक सैयस का रूप धारण करते हैं और उज्जैन शहर की डोरी के नीचे से निकलते हैं। यहां से सांग आपके बीच में शुरू होता है, एक जय का नारा, भूमि पवित्र, आत्मा की शुद्धि, सभी हांगा लगा करके जय बोलेंगे। बोलो, बोलिए शंकर भगवान।
बाबो लांडी रहे पुंजड़ लादे पुंजड़ के स्वाद नहीं आया जो इब के जानी बोले चुवान साहब गोरिया फ्रूट चाट भंडार वो सामने लग रहा जी 100 रुपए गौ माता के नाम से 50 रुपए अपनी पार्टी के नाम से प्रदान बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे स्वाद ना आया था ना लांडी रहे पुंजड़ ला दे जो इब के जानी बोले तो वह बात वह कौन सी वो अपनी बहू की चुच्ची पीवे गट्टा गट गट्टा गट गट्टा गोरिया फ्रूट चाट भंडार ए नाश गए अगर किसी का बहू ना हो तो वो किसकी पीवे के कहे अरे न्यू बता जो दान ना दे वो अपनी बहू की चुच्ची पीवे बिल्कुल और किसी का बहू ना हो तो किसकी चुच्ची पीवे जो किसी का बहू ना हो हाँ आओ दो थोपे मेरे मारो इसमें क्या होगा कमाल की बात कर रहे हो मैं इतना गात ले रहा मैं कुछ भी नहीं काटूंगा काटेगा काटूंगा कोई नहीं बेक बेक बेफिक्र रहे हाँ इतना ठाडा भर दे पिछले साल का सांग याद है बिल्कुल याद है तो न्यू ले देखो आज दानवीर कैसे करेंगे अरे तेरा याद है ना मेरे तो एक सांग था एक सांग में चार रागनी गान दी थी बिल्कुल गाना एक हुआ था चार रागनी गाई थी चमोलिया में पूरा दिन गया था वही बापोड़ा है वही गौशाला है वे दादा अमरीका वाले आ रहे थे जीव अरे ये सारे अमरीका वाले हैं मने तो पांच चार तो नागालैंडी लाग रहे हैं तुम अब देखे जा झटके अच्छा चलो आपका आना दिल धड़काना मैं दिल लगा के यूं शर्माना प्यार आ गया रे नीचे से सैयस बाबा गोरख अपना दिव्य रूप धारण करके एक सैयस का रूप बना करके मोहनी सूरत है और डोरी के नीचे से निकलते हैं रानी पिंगला देख लेती है अपनी बांदी को बुलाती है और क्या कहती है सुनी शाबाश बेटी शाबाश हाय मेरी माँ मैं ये क्या देख रही हूँ आज से पहले मैंने इतना नौजवान सुंदर बलवान कभी नहीं देखा हे भगवान ये क्या देख रही हूँ इतना सुंदर ये हिंदुस्तान का बीज नहीं है भर्तरी महाराज तो स्किन के सामने कुछ भी नहीं है बिल्कुल जीरो है क्यों नहीं बस बांदी को बुलाना चाहिए और इस निशान के बारे में उनसे कुछ राय लेनी चाहिए बात करनी चाहिए बारीक मैंने कहा है बांदी बांदी अरे कहां मर गई मैंने कहा रानी साहिबा के चरणों में बांदी का जय प्रणाम बांदी क्या तुमने अभी भी कुछ देखा है क्या मेरी महल की डोटी के नीचे से घोड़े के ऊपर सवार होकर एक हट्टा कट्टा नौजवान सुंदर बलवान गया है क्या तुमने उसे देखा है ए रानी साहिबा खूबी डूबी तू भी अरे जो मैं कह रही हूँ उसी बात का जवाब दो क्या आपने देखा है उसे क्या आप नहीं जानती उन्हें नहीं नहीं मैं नहीं जानती उसे ये कैसे हो सकता है आज से पहले मैंने उसे कभी देखा भी नहीं तो ये हो भी कैसे सकता है सच कह रही हूँ मैंने कभी नहीं देखा उसे महाराज भर्तरी तो आपके बिना एक गिलास पानी तक का नहीं पीते और इतनी बड़ी बात आपको नहीं बताई नहीं बताई क्या था ये कौन है ये जो अभी अभी घोड़े पे सवार होके गया है ये अभी अपने घोड़ों की देखभाल करने के लिए नया सैयस रखा गया है अच्छा नया सैयस रखा गया है जी हाँ बांदी जब तक तुम इसे मेरे पास लेकर नहीं आओगी मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा मैं इसे प्यार भरी मीठी मीठी बात करना चाहती हूँ आप जाओ उसे अभी इसी वक्त मेरे पास बुलाकर लेकर आओ बांदी पर इसके बदले में आपको मुझे अपना नौलखा देना पड़ेगा कोई बात नहीं बांदी दे दूंगी आप जाइए उसे अभी इसी वक्त लेकर आइए मगर ओ सैयस के कौन बोलती है मैं हूँ बांदी बांदरी है तो चढ़ जा पीपल पर नाश गए दासी किसका आगी फांसी अजी टहल करने वाली एक बात बताओ बांदी हाँ तुम टहल जनानी करती हो मर्दानी करती हो जनानी राम 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 के बात तने टहल करने का भी नहीं मेरा क्यों टहल मर्दानी करा करो के फायदा परमात्मा ने चाहिए तो 9 महीना रियर करती हंडेगी है आपको रानी साहिबा ने बुलाया है रानी पिंगला ने जी हाँ रंग महलों में
बिल्कुल, अभी चलना है बिल्कुल इसी पोजीशन में। हाँ ऐसे कैसी मुट्ठी भरने वाली हो क्या? हाँ पहले आओ और दो मुट्ठी भर के दिखाओ। हट जनानी भरती हूँ। क्यों काली पिंडी है? हाँ बहुत मोटी मोटी है। चलो आओ, आप यहाँ डोडी पे खड़े हो, मैं अभी रानी साहिबा को बोलती हूँ। ठीक है। रानी साहिबा की जय हो। जय हो बांदी। आपको जिसका इंतजार था हाँ? वो बाहर डोडी पे खड़े हैं। अरे हराम जादी, तुम्हें को शर्म भी आती है नहीं आती है? तू सीधी अंदर से जाई और जिसे मैं दिल जान से चाहती हूँ, मेरी आंखें तरस रही हैं उसे दर्शन करने के लिए, वो डोडी पे है। रानी साहिबा मैंने सोचा कभी मेरे जाने के बाद यहाँ राजा भर्तरी ना आ गए हो, इसलिए मैं उन्हें बाहर खड़ा करके आई हूँ। आप डोडी पे जाओ, उसे अंदर भेजो। जाती हूँ। मैंने कहा आप अंदर आ जाएं। अंदर आवा के भीतर, इसमें भी कोई फर्क है? बिल्कुल। के अंदर तो मैं खड़ा हूँ। अच्छा कि मैं टहलूंगा सरकूंगा तो भीतर भी हो जाऊंगा। आप ऐसा करो जी, आप सरक के भीतर हो जाओ। ठीक है, मैं बाहर खड़ी होती हूँ। मैंने कहा रानी साहब को प्रणाम। मैंने कहा रानी साहब को नमस्कार। हेलो, हाय मिस्टर। बोलो सिस्टर। है क्या कह रहे हो आप? तुम्हें पता भी है सिस्टर किसे कहते हैं? मुझे पता है। किसे कहते हैं? सिस्टर अपनी नानी को कहते हैं। अजी नहीं, और सिस्टर तो अपनी बहन को कहते हैं। चलो वो कोई बात नहीं, आपने हमें किस लिए बुलाया है? अरे हराम जाते, तुम क्या देख रही? मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी रानी। सुना दो तुझे बात। मैं सीख रही थी कैसे होता है प्यार। बैठ जाओ, मुझे अभी आता नहीं है ना। तेरे को लाइट भाजी पीछे सिखाऊंगा। सईस जी, आपको मैंने जब से देखा है जी, मेरे दिल में एक बेचैनी सी छाने लग गई है। बिल्कुल, मैं आपकी ओर आकर्षित होने लगी हूँ। मैं भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगा हूँ, परंतु आपने हमें बुलाया किस लिए है? मैं आपके साथ में चौपड़ चार की बाजी लगाना चाहती हूँ। तो बाजी लगाने के लिए हम तैयार हैं। तैयार हैं? बिल्कुल। तो आइए फिर बिछाइए। बिछाने का काम औरतों का होता है, मर्दों का नहीं। तुम बिछाओ, हम बाजी को लगाएंगे। अच्छा लो ये बिछाओ। ये लीजिए जी। और बात ये खेलना बाद में करूंगी, पहले कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। क्या? सुनिए मेरी बात को। बोलिए। हाँ उस्तादो। बेटे बूढ़ा
भागी दवा। मारा और तेरा क्या होगा? क्या होगा? मारा तेरा मेल होगा, आपस के माँ खेल होगा, नारे रंगे महल में। ये प्रेम की लड़ाई लड़ता धर्म पर चढ़ाई चढ़ते न्यारे रंग महल में। ओ मारा तेरा आए क्या तो बैठ गई मर गई क्यों हो गया? मारा तेरा मेल होगा, आपस के माँ खेल होगा, नारे रंगे महल में। ये प्रेम की लड़ाई लड़ता धर्म पर चढ़ाई चढ़ते न्यारे रंग महल में। फोबारा की चोट आशिक हो जा लोटो रिपोर्ट आ चल प्यार करे। तू कर घूंघट की ओट बता मेरे कानी भी देख ले, मेरा कैल्शियम खत्म हो गया। तू कर घूंघट की ओट मारेगी दादा के मेरे चोट आ चल प्यार करे। हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान चरक सिंह जी इस रागनी पर 500 रुपए खुश होकर के प्रदान। और हम भी उनका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। क्या बात। नंबर नंबर दो में क्या कह दिया? नंबर दो बहुत से साधो और आशिक कैसे होते हैं? ये जो आशिक होते हैं ये कबूतर की नस्ल में होते हैं। अच्छा। ये जो आशिक होते हैं हाँ जी ये कबूतर की नस्ल में होते हैं। कभी इसकी बगल में होते हैं तो कभी इसकी बगल में होते हैं। कल्डा कल्डा ना देखे बाबा मर जाएंगी। हाँ हो आशिक बात न। वैसे सही बती चाचा तेरी बोहड़िया ठीक चल रही है। आशिक और मासूम के दोनों होके ने देखो पे दोनों दूध और पानी जाने से। ओ सखी का जात कोना जुटी के मैं बात कोना जानन आले जाने से। ओ आशिक और मासूम के दोनों होके ने देखो पे दोनों साहब ऐसे काम करने वाले को क्या परमात्मा क्या ना तो अड़े जगह दे और ना उड़े जगह कड़े। कोई ना कोई दुश्मन उड़े भी पावेंगे। कौन जो तू चलेगी सतलोक उड़े दे यो ता उठा के मन ठोक आ चल प्यार करे।
नंबर तीन में क्या है? हमारे दादा ने क्या कह दिया? क्या है? क्या कह दिया? त्री साइड आली मार की बात है, उठ लिया करो तम भी कदे का हो तो इतने थारा मौसम बनेगा इतना मारा टूट लेगा। ओ जिंदगी के खाड़े हो से रोजाना पवाड़े हो से डाटिए समाई करके यो तो प्यारा पे मान हो सो सो मन की झाल समाई करके हम चालांगे सतलोक उड़े ना किस बात की टोके आचल प्यार करे और एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच गर्मी में भाई की निकली कांच आचल प्यार करे क्या कह रहे हैं तू चौपट चार बहन में फेरा के घड़ी चार आचल प्यार करे सुनिए जो तेरे चश्माले हमारे गुरुजी ना लक्ष्मीचंद जी ने जी नंबर चार में ज्ञान के बारे में बताया है। ये जो ज्ञान है हाँ हाँ ये ब्राह्मणों का ज्ञान है। बिल्कुल हमने उनकी सेवा करके जी उनकी इबादत करके हाँ हाँ इस ज्ञान को प्राप्त किया है जी जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है जी। ये ब्राह्मणों का ज्ञान है हाँ और किस प्रकार से है के क्या हो? छोड़े के गुलगुले लक्ष्मी चंद का ज्ञान सारा जाने से जहान सारा छंद में कोए शेर ना वो पंडित मंगे राम छंद ने दर्द दिल ने थाम वो लावे कुछ तेरे ना हो लक्ष्मी चंद का ज्ञान सारा जाना से जहान सारा छंद में कोए धर्म तो पाछो आप पाछो ये शरीर मीठे उस्ताद हो ये शरीर वैसे तंदुरुस्त है अच्छा भीतर कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है। मैं तो पीजीआई में जाके अपना काम चला रहा हूं। जो तेरा जोपन कर क्या चोर ढूंढ रहे मानस कोई और आचल प्यार करे और इस रागनी पे जिन्होंने भी सभी ने हमारा सम्मान किया है सभी का दिल की गहराइयों से तहे दिल से धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद है सभी का। तो सही है तो रानी साहब हाँ आइए और पाशे पकड़ के लाइए आइए बिछाइए। चलो पहले भी बिछा बिछाया है। एक बात बताऊं हाँ जी खेल खेलने से पहले मेरी एक शर्त होगी। क्या? अगर मैं अगर तुम खेल में जीत गई तो आपको मन्ने मेरा
तेरा घोड़ा बनना पड़ेगा। हाँ, और ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, और बाबा मोछाले ऐसे तो मानती भी नहीं मैं। हाँ, और आपके ऊपर चढ़ूंगी। मतलब मैं हार गया तो तू मेरे पर? आपके ऊपर चढ़ूंगी। एक काम करो रानी साहब। की बात? मैं हार गया, आप पहले तू मेरे पर चढ़ जा। अरे ऐसे नहीं। और पहले मैं जीतूंगी। अरे बात सुनो। हाँ, अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? मेरी भी शर्त है। क्या शर्त है? तने गधी बनाऊंगा। अरे मैं तेरे पर चढ़ूंगी को ना, तेरे पर गौशाला का व्रत करूंगा 7 दिन। चलो आइए, मुझे मंजूर है। ठीक है, बैठी। ये लीजिए। लीजिए, पूरे पोबारा 25 हैं। अभी डटो, हमारा भी टाइम आने दो। ये लो। ये। ये तेरी कोड़ी पे मेरा कोड़ा चढ़ गया। नहीं नहीं, हार गए आप। हाथ के आगे दो, यहाँ स्वाद नहीं आया, अगले कमरे में हो। अच्छा, चलिए यहाँ। बहुत अच्छे। क्या कह रहे? हेलो, आजे बाबा तू भी मार ले दो बाजी। नहीं, ये ताश खेलता है। ये लो। फिर मैं जीत गई हूँ। ये लो। काने तीन, फिर काने तीन। ये काने चार। काने तीन। चार। काने तीन। चार। चार कैसे हैं? एक ही हो बैठा, ये तो आंखों वाला है। आगे चलो। मेरे मेहमानों, इधर रानी पिघला और सैयस दोनों चौपड़सार की बाजी लगा रहे हैं। इधर वो विक्रमा अपने स्कूल की आधी छुट्टी होती है और स्कूल से चलता है, भाभी के गेट पर आकर आवाज लगाता है। ये लो, ये देखो, पासे गोली खा के पड़ गई। सही है। एक बात बताऊं? क्या? आज मुझे खेल में इतना इंटरेस्ट आ रहा है। कितना? इतना मजा आ रहा है, आज से पहले मैंने इतना मजा कभी आया ही नहीं। नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ परमात्मा का सब मजा देके छोड़ता हूँ, ये मेरी गारंटी है। अरे वो बात नहीं है, खेल में मजा। अरे खेल की बात कर रही हूँ मैं, कसम से इतना मजा कभी मैंने आया ही नहीं। तो परमात्मा कसम, मैं भी खेल की कर रहा हूँ, और मैं क्या बाईपास बांध रहा हूँ? अच्छा? मैंने कहा बाबा साहब फाटक खोलिए। ये कौन है, आवाज है? अरे रस्ते हैं, रस्ते में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को खेलने की आवाज आ रही है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? ये बच्चे भी काम बिगाड़ने वाले होते हैं। चलिए। मैंने कहा बाबा साहब फाटक खोलिए। हेलो रानी साहब। हाय मेरी माँ। ये तो मेरा देवर विक्रम आ चुका है। तो आप मेरे को लकोइए। अरे यहाँ नहीं। और आप एक काम करो, जो महल के द्वारा गुप्त सुरंग बन रही है उसके द्वारा नीचे नीचे और बाथरूम में चले जाओ। जाओ, जाओ। ये जो तुम्हारा बाथरूम है, ये तुम्हारा बाथरूम बहुत कमजोर बाथरूम है, मैं इसमें बढ़ूंगा और बढ़ते ही बाथरूम बीच में तड़ दिशी पटेगा। और ये तिगड़ाना से हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान महासी जी, श्याम सिंह जी, प्रधान जी, 200 रुपए से अपने बच्चों का हौसला अफजाई करते सम्मान करते हैं हम, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। हेलो। मैंने कहा बाबा साहब फाटक खोलिए। आइए देवर साहब, फाटक
मैं आया था सेल में। ये सेल करने का टाइम है? सेल करने का टाइम है। आप स्कूल में गए थे, इतने जल्दी आ गए, क्या स्कूल की छुट्टी इतनी जल्दी हो गई? पर तेरा रूप देख के अच्छा मेरी गला के हो गया। क्यों हो गया? सुन ले हो उस्ताद, हो हेलो
किए हैं? हर के गुण गाए सुबह शाम। अच्छा, आज मेरे बने बिगड़ गए काम। काम श्री मांगे राम झुका कर नाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में। मैं आया था सेल में। क्या ये आपका महल में आने का टाइम है? क्या आपकी स्कूल से इतनी जल्दी छुट्टी हो गई? भाभी गणित आती हो रही है, गर्मी का मौसम है, पसीने पहले डट थोड़ी देर, अभी चमोले आ गए उसके बाद बात करती हूँ तेरे साथ में। दानवीरों के नाम सुनो। मननु बता दे महल में वो पूरा इंसान कौन था? और क्या? एक आपको सूचना, आपके ही पड़ोस में देवसर गांव में 7 तारीख से प्रोग्राम चालू है, 7, 8, 9, 10। ये दादाजी रामसन दादाजी के प्रोग्राम, और 11, 12, 13, 14 ये हमारे प्रोग्राम, ये हमारे प्रोग्राम है। और 21 तारीख से मेरे प्रोग्राम, यानी आज और कल यहाँ पे होंगे। 21 तारीख से तिगड़ाना में, 21 से 24 तक तिगड़ाना में, 21 से 24, फिर 25, 26 का मेरा बोंद में। और गुरुजी इस बीच एक बात, पहले यूसुफ जी जी अपने भी खड़े हो जाओ, बोलो गौ माता के लिए अपने भी बोल दो। बिल्कुल सच्चाई है पार्टी की तरफ से। मारी भी सुनी, ये भाई चाबी है किसे की गाड़ी की, यहाँ मेरे पास से ले जाए, कृपया करके चाबी को ले जाए भाई, बोल दो गौ माता। अगर गाड़ी पसंद नहीं है तो फिर गाड़ी मुझे दे जाए, धन्यवाद। अपनी पार्टी की तरफ से गौ माता के बोल जी। बिल्कुल, हम भी गांव के हैं, बापोड़ा गांव में हमारी भी बूटी है। ये चामुंडी नगर सुख से बैसो, ये जहां से हमारे चौहान साहब बाबूदान सिंह और उनकी ये पार्टी, ये बाबूदान सिंह जी चौहान एंड पार्टी, गौ माता के नाम से, गौ माता के नाम से 5100 रुपये, गौ माता के नाम से 5100 रुपये, गौ माता के नाम से, और 1100 मारे भी बख्शूंगा नहीं चौहान साहब। बिल्कुल 1100 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 1
निकला हो और गवो का दान करने से के बात देवर साहब के करा था। आज शनिवार का दिन था, जल्दी छुट्टी होगी। अच्छा। इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो आइए फिर अंदर आइए। महल में ऊपरा इंसान कौन था? क्या 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 क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारी अकल कहाँ गई है? अकल भी ठीक है और दिमाग भी ठीक है। क्या क्या मेरे, अरे मेरे महल में और गैर मर्द किसके बदल जो मेरे महल में कोई पैर मार जाए? मैंने छावड़ी देखी मानस की। छावड़ी? कैसी छावड़ी? छावड़ी पिछानी से तने? हाँ। अरे मारा देवर तो छावड़ी पिछाण लग गया। छावड़ी पिछाण पिछाण के तो सूख गया और कहीं इलेक्शन आ रहा है। हाँ किसी छावड़ी थी? मर्दानी छावड़ी थी तुर्रेआली। आए देवर साहब ये बात नहीं से और न्यू से के? अरे मैं नहा के बाहर निकली थी, मेरे बाल धोए और मैं तोवाल बांध कर तुर्रे वाला बना रखा थे बाल को। अच्छा। आपको शायद ऐसा लगा मेरे महल में कोई तुर्रा आदमी है। अच्छा सर का तोलिया बांध के बाहर लिख डाई। हाँ हाँ काड़े जी नू कहे सर का तोलिया बांध के लिख डाई थी। झूठ बोल रहे, तोलिया तो तले बांधा जा है। तोलिया तो पड़ा रहा अगर भाभी, पर तू रहा खड़ा था। चौपड़ सार बिछरी है, शराब की बोतल रखी है। अरे तुम्हारे भाई आए थे, पर एक बात कहूँ विक्रम, आजकल मैं तुम्हारे तौर तरीके कुछ अलग देख रही हूँ। क्यों? तुम्हारे बात करने का लहजा कुछ अलग हो चुका है। तुम्हें शर्म नाम का कोई खोज नहीं है क्या? बड़ों से इस कदर बात करते हैं? मैं तुम्हारी माँ के समान लगती हूँ। तुम छोटे से थे जब तुम्हारी माँ मर गई थी। तुम्हारी माँ मर गई थी, मेरी दूधी का टुकड़ा तो रोया करता ना, तेरी मुंह में देख के तने चुप करा करती। अच्छा और आज तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा ये इल्जाम लगा रहा, तुम्हें शर्म ना आती है? ऐसा नहीं मेरा तेरे मारे ईब मत दे दिए। क्या टुंडकना? क्यों नहीं तो भिवाणी ताई बता देगा। बैठ जा।
यो तेरा शान है, ये मेरा एहसान है। बाबी और दिन है तो तू सही डाल बात करया करती मेरे ते, आइए मेरे देवर, आइए मेरे लाडू, पर आज तो तू मने देखते तेरे माथे में थोड़ी पड़ रही है। और मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आपको हमेशा आप आया करते ना, मेरी कुछ बात सुना करते। अच्छा। और आजकल मैं कुछ कहती हूँ तो कान बोझ के सीधे चले जाते हो, मेरी बात भी नहीं सुनते हो। कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारी आंखों के तौर कुछ अलग कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात को। क्या बात होता दो बोली रे।